वेलकम डियर स्टूडेंट, फ्री जॉब लेटर एंड एजुकेशन चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं एस्ट्रा एक्टिविटी से रिलेटेड जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं उसके बारे में, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट आकर आपके पास होंगे तो आपको जो है डीआई में 20 नंबर की छूट मिलेगी। तो उससे क्या होता है कि आपके एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टूडेंट, जो हमारे एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो सर्टिफिकेट होते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड या फिर आपके एनसीसी, एनएसएस या फिर आपने कहीं किसी के पास राधा स्वामी का कोई भी सत्संग व्यास का कोई भी सर्टिफिकेट हो, वो भी आपका बिल्ड रिलेशन होना चाहिए उससे। अगर आपके पास राधा स्वामी का कोई भी सत्संग का सर्टिफिकेट है, आपके घर के, आपके माता पिता, आपके भाई बहन कोई भी अगर जो पार्टिसिपेट करते हैं राधा स्वामी सत्संग व्यास में, तो उनसे आपका जो है ब्लड रिलेशनशिप होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है उसमें। और स्टूडेंट, आप यूनिवर्सिटी लेवल या फिर स्टेट लेवल या फिर आप ब्लॉक या तहसील लेवल पे कबड्डी वगैरह या फिर कोई भी स्पोर्ट्स गेम जिसमें आपने जो है मेडल या फिर कोई सर्टिफिकेट अचीव किया है, तो आप वो सर्टिफिकेट वहाँ पर लगा सकते हो। उसके लिए लिंक आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, दयालबाग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लिंक जो है वो कुछ दिन बाद शो होने लगेगा वहाँ पे। तो आप वहाँ पे जाके अपने सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हो। जो भी आपके पास एनसीसी से जो है वो आपको 6 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है, बी है, तो आपको 4, और अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आपके पास एनसीसी विंग है। तो ऐसे ही ये जो सर्टिफिकेट होते हैं एक्स्ट्रा एक्टिविटी वाले, ये सब के लिए होते हैं, चाहे वो गर्ल्स हों या बॉयज हों, दोनों के लिए ये ज़रूरी होते हैं। और जिसके पास नहीं है वो स्टूडेंट कोई भी टेंशन ना ले, क्योंकि उनको भी एडमिशन मिलता है और जिनके पास होते हैं सर्टिफिकेट उनको भी मिलता है। बस ये है कि उनकी पॉसिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, उन्हें 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो इसका लिंक वेबसाइट पर जल्द आ जाएगा। और जहाँ तक उम्मीद है, आपके जब भी आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे तो आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट निकलेगा उससे पहले पहले आपको लिंक मिल जाएगा एक्स्ट्रा एक्टिविटी के सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए। तो जब भी लिंक आएगा तो आपको जो है वेबसाइट पे बता दिया जाएगा और वीडियो भी मिल जाएगी उसको रिलेटिव आपके लिए। तो स्टूडेंट, ये तो आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी से संबंधित जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं वो मैंने बता दिया। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, एनसीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, किसी भी ग्रुप का होना चाहिए, ए बी सी ज़रूरी नहीं है, और एनएसएस का हो तो भी चलेगा। अगर आपके पास कोई भी स्पोर्ट्स खेल से रिलेटेड कोई भी सर्टिफिकेट है या फिर आपको कहीं से भी सम्मानित किया गया है, कोई भी आपको प्राइज वगैरह मिला है, अब तक आपने अब तक जो भी हासिल किया है वो सारे सर्टिफिकेट आप वहाँ पर अपलोड कर सकते हो, तो जिससे कि आपको कुछ नंबर का बेनिफिट मिल जाएगा एंट्रेंस एग्जाम में और कट ऑफ लास्ट कट ऑफ में। ओके स्टूडेंट, तो ये आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी सर्टिफिकेट से रिलेटिव इंफॉर्मेशन थी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। वेलकम डियर स्टूडेंट।